हेलो दोस्तों, मनुष्य का दिमाग इतना खतरनाक होता है कि अगर वो ठान ले मैं ये काम को कर सकता हूँ तो वह निश्चित रूप से उस काम को पूरा कर लेते हैं। परंतु उसके अंदर उस काम के प्रति घमंड नहीं, विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने काम के प्रति विश्वास है और उस काम को आप पूरे लगन के साथ करने में लगे हुए हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको उस काम को पूरा करने से रोक सके। लेकिन मनुष्य के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना, समझना, परखना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और हम लोगों के काम को जो इतना आसान बना रखा है, घंटों के काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है, घर बैठे बैठे पूरा दुनिया का खबर मालूम हो जाता है, वो चीज़ ऐसा क्या है जो हम लोगों के काम को इतना सरल और इतना ईजी बना दिया है? तो वो चीज़ है हमारे गैजेट। जी हाँ, हमारे गैजेट जो हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी गैजेट यूज करते हैं वो सभी गैजेट हम लोगों के जिंदगी को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बना दिया है। जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट हैंड वॉच, ये सभी गैजेट जो हम लोग अपने जिंदगी में यूज करते रहते हैं वो सभी हमारे काम को पूरा पूरी आसान बना दिए हैं। तो मनुष्य के दिमाग के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो हम लोग जो अपनी जिंदगी में गैजेट यूज कर रहे हैं उसके दिमाग के बारे में जानना बहुत ही आसान है। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि जो हम लोग गैजेट यूज कर रहे हैं उसका दिमाग क्या है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसी सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं कंप्यूटर के दिमाग के बारे में। कंप्यूटर के दिमाग होते क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नाम तो सुने होंगे। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू क्या होते हैं? व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी गैजेट हो जिसका यूज हम लोग करते हैं उनका वो मेन पार्ट होता है। यह देखने में तो बहुत छोटा होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, यह देखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन इसका काम विस्फोटक जैसा होता है। जैसे कि यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, यानी कि सोचता है और फिर जवाब यानी आउटपुट देता है। जी हाँ, अब हम लोग जानते हैं कि सीपीयू दिखते कैसे हैं और वो कंप्यूटर में लगता कहाँ पर है। तो सीपीयू आम भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं। जी हाँ, सीपीयू हम लोग आम भाषा में इसे बोलते हैं, लेकिन रियल में इसका नाम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर केस के नाम से जाना जाता है। सीपीयू जो होते हैं वो इस कैबिनेट के अंदर लगते हैं। इस कैबिनेट के अंदर अगर आप इस सीपीयू बॉक्स को खोलेंगे तो आप कुछ इस तरह से अंदर में दिखता है। इसके अंदर जो है ये मदरबोर्ड फिर होता है। इस मदरबोर्ड में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पर जो है हम लोग सीपीयू को फिट करते हैं, जैसे कि आपको हम इमेज में दिखा रहे हैं। सीपीयू को फिट करने के बाद, इस मदरबोर्ड को इसके अंदर फिट करने के बाद ही आपका प्रॉपर से इसका ये कैबिनेट तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू फिट होते हैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि एसएमपीएस लगते हैं और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, रैम लगते हैं, वो सारे चीज़ लगने के बाद इसके अंदर मदरबोर्ड फिट होते हैं, तब जाके हम लोगों का सिस्टम प्रॉपर तैयार होता है। जी हाँ, अब हम लोग जान लेते हैं कि सीपीयू इतना सारा काम अकेले करता है या फिर इसका कोई और साथ देता है, क्योंकि सीपीयू बहुत हैवी होते हैं। जी हाँ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होते हैं तो इतना सारा काम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सीपीयू जो है ना इतना सारा काम अकेले नहीं करता है, इनके तीन पार्टनर्स हैं, टाइप्स ऑफ सीपीयू। जी हाँ, तीन पार्टनर्स, इनके मुख्य तीन कंपोनेंट हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीपीयू। नंबर एक एएलयू, नंबर टू सीयू, नंबर थ्री एमयू। एएलयू का पूरा नाम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है। अब आप इन सभी के नाम से ही जान सकते हैं कि कौन क्या काम करता है। ए एल यू एरिथमेटिक, यानी कि ये जो है सारे के सारे कैलकुलेशन के काम को संभालता है,
जैसे कि जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, जितने भी कैलकुलेशन काम होते हैं सारा का सारा एएलयू संभालता है। अगला सीयूआई, कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल कौन करेगा, तो सीयू काम होता है कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर कंट्रोल करना कि स्पीकर कौन सा काम करेगा, मोनिटर कौन सा काम करेगा, उसके बाद प्रिंटर स्कैनर जितने भी डिवाइस होते हैं वो सब, उस सब काम क्या होगा, उस सब कंट्रोल कौन करता है, सीयू। और कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, है कि नहीं है। जैसे कि स्पीकर का काम होता है गाना बजाना तो वीडियो दिखा देगा वो, है ना। प्रिंटर का काम होता है कि पेपर को छापना तो वो स्कैन कर देगा। तो इसीलिए कंट्रोल यूनिट को दिया गया है कि वो हर एक डिवाइस को कंट्रोल कर सके। इसीलिए हम लोग हर एक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सीयू को लगाए हुए हैं कि सीयू सभी डिवाइस पर नज़र रखने का काम करता है। अगला है एमयू। एमयू का काम होता है सभी डेटा को, डेटा चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर यानी इकट्ठा करके रखने का काम एमयू का होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे कि ऑडियो डाउनलोड कर दिए हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सभी काम को सेव करने का काम, इकट्ठा करने का काम जो है एमयू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कोई कंप्यूटर अपना काम बहुत ही फास्ट करता है तो कोई अपना काम धीरे धीरे पूरा करता है, तो ऐसा होता क्यों है वो हम लोग जान लेते हैं। स्लो या फास्ट काम करना सीपीयू के कोर पर डिपेंड करता है। सीपीयू के कोर, जी दोस्तों हम लोग जानते हैं सीपीयू के कोर के बारे में, सीपीयू के कोर के बारे में हम लोग जानते हैं। सीपीयू हम लोग ज़्यादातर दो कंपनी का यूज करते हैं, नंबर एक इंटेल, नंबर टू एएमडी। अब हमें इन दोनों कंपनी में से जिसका भी प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसका यूज करते हैं। अगर आप एएमडी का प्रोसेसर यूज करते हैं तो इसमें राइजन के नाम से प्रोसेसर आते हैं, अगर आप इंटेल का यूज करते हैं तो इसमें कोर के नाम से आते हैं। तो आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोर यूज कर रहे हैं तो कोर के अंदर अंदर जो है उसके बहुत सारे जनरेशन भी आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा हो कोर i5, कोर i7, इससे पहले आ चुके हैं कोर i3, डुअल कोर बहुत सारे आ चुके हैं, इसके बाद भी आ चुके हैं i9 और भी बहुत सारे आ चुके हैं, है ना। तो जो लेटेस्ट होगा ना वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन जितने आप लेटेस्ट में आएंगे उतने खर्चे भी होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो अपने बजट को देख करके ही परचेज करना है सीपीयू को, वो आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं इंटेल प्रोसेसर के बारे में कि कौन सा कोर वाला प्रोसेसर बेस्ट होता है, क्योंकि इंटेल कंपनी का प्रोसेसर सबसे अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं प्रोसेसर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सीपीयू कोर। जी हाँ, प्रोसेसर के प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ सीपीयू कोर, नंबर एक सिंगल कोर, नंबर टू डुअल कोर, नंबर थ्री क्वाड कोर, नंबर फोर हेक्सा कोर, नंबर फाइव ऑक्टा कोर, नंबर छः डेका कोर। ऐसे बहुत सारे कोर उपलब्ध हैं। अगर आप डेका कोर से आगे बढ़ते हैं तो कितना सारा नाम लेते रहिएगा, तो उसको आप मल्टीपल कोर के नाम से भी बोल सकते हैं, जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंगल कोर, सिंगल कोर क्या काम करता है, तो इस फोटो में आप देख रहे होंगे सिंगल कोर। जी हाँ दोस्तों, जिस सीपीयू के अंदर एक ही कोर लगे होंगे ना उसको हम लोग सिंगल कोर कहते हैं। एक ही कोर का मतलब ये है कि ये सीपीयू जो है सिंगल कोर वाला सीपीयू एक बार में एक ही काम को करेगा, क्योंकि अब ना हम लोग एक साथ बहुत सारा काम कर लेते हैं तो मल्टीपल कोर के साथ, लेकिन जब सिंगल कोर था हम जो जिस कंप्यूटर में सिंगल कोर लगा हुआ है वो कंप्यूटर एक बार में एक ही काम को पूरा करेगा। अगर गाना सुनिएगा तो गाना ही सुनाएगा, वीडियो देखेगा तो वीडियो दिखाएगा, मतलब एक बार में कोई एक काम को करेगा, एक से अधिक काम आप एक बार में नहीं कर सकते। और जिस सीपीयू में एक से अधिक कोर लगे होंगे, जिस सीपीयू में एक से अधिक कोर लगे होंगे, एक कोर ये रहा और एक कोर ये रहा, जिस सीपीयू में एक से अधिक कोर लगे रहेंगे वो उतने फास्ट काम करेंगे। जी हाँ, जैसे कि डुअल कोर, और आप डुअल कोर खरीदते हैं तो सिंगल प्रोसेसर अच्छे काम करेंगे, क्योंकि इसमें दो कोर लगे हुए हैं, एक से अधिक काम को करेंगे। गाना सुनना गाना सुनिए, और वीडियो देखना है वीडियो देखिए, व्हाट्सएप चलाना व्हाट्सएप चलाइए, मतलब साथ में आप एक से अधिक काम को कर सकते हैं। तो आप जितने आगे बढ़ेंगे क्वाड कोर आएंगे, जिसमें आपको जो है चार मिलेंगे, एक है ना, चार मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हेक्सा कोर में आएंगे जिसमें आपको छः मिलेंगे, ऑक्टा कोर में आएंगे इसमें आपको आठ मिलेंगे, और डेका कोर में आएंगे इसमें आपको 10 कोर देखने को मिलते हैं। इस तरह से 10 कोर देखने को मिलते हैं आपको। तो जितने लेटेस्ट आप लेंगे, जितने आगे बढ़ेंगे उतने ज़्यादा फास्ट सिस्टम काम करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोर खरीदेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वाला कोर खरीदेंगे उतना महंगा भी पड़ेंगे। तो हम लोग अपने बजट के अनुसार काम करेंगे। तो आप काम चलाने के लिए डुअल कोर भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो क्वाड कोर भी ले सकते हैं। सिंगल कोर तो लेना ही नहीं, वो आप मिलना मुश्किल भी है, क्योंकि सिंगल कोर कोई खरीदता ही नहीं, तो कंपनी बनाएंगे क्यों, क्योंकि है ना। तो डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, जो मर्जी आप ले सकते हैं, इसके बहुत सारे जनरेशन आते हैं,
तो जो आपको चूज करना हो उसको सेलेक्ट करके आप अपने सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।